हेलो फैमिली, आप सभी का स्वागत है द फूड स्टोरेज में। आज बनाएंगे हम वेज फ्राइड राइस। इसे बनाने के लिए मैंने लिया है 1.5 गिलास चावल, जिसे मैंने 2-3 बार अच्छी तरह से धो लिया है। 2 चम्मच के आसपास सोया सॉस, 1/2 कप बारीक कटा हुआ बीन्स, 1/2 कप बारीक कटा हुआ गाजर, 1/2 कप बारीक कटा हुआ शिमला मिर्च, 1-1 चम्मच बारीक कटा हुआ अदरक और लहसुन, 3 बारीक कटी हुई हरी मिर्च, 1 प्याज, 1/2 कप बारीक कटा हुआ बंद गोभी, 2 चम्मच बारीक कटा हुआ हरा प्याज। सब्जियाँ आप अपने हिसाब से ले सकते हैं जो आपको पसंद हो। तो चलिए बनाते हैं वेज फ्राइड राइस। सबसे पहले हम गैस जलाकर एक गंजी चढ़ाते हैं। इसमें चावल के 3 गुना पानी ले लेते हैं। पानी में 1/2 चम्मच नमक डाल देते हैं। फ्लेम को हाई कर देते हैं और इसे ढक देते हैं, जिससे पानी जल्दी से उबलने लगे। आप देख सकते हैं पानी में उबाल आने लगा है। अब हम इसमें चावल डाल देते हैं। अब इसे बीच बीच में मिलाते हुए कुछ देर पकाएंगे। आप देख सकते हैं हमारा चावल पक गया है। अब हम गैस बंद कर देते हैं और चावल को छेद वाली बर्तन पर निकाल लेते हैं। अब हम गैस की ओर चलते हैं। अब मीडियम फ्लेम पर गैस जलाकर एक कढ़ाई चढ़ाते हैं। इसमें 5 चम्मच के आसपास तेल लेते हैं। तेल को कढ़ाई में अच्छी तरह से फैला लेते हैं। तेल गर्म हो गया है। अब हम इसमें अदरक लहसुन और हरी मिर्च डाल देते हैं और थोड़ा मिला लेते हैं। अब हम इसमें प्याज डाल देते हैं और इसे 30 से 35 सेकंड भून लेते हैं। इसे ज़्यादा नहीं पकाएंगे। अब हम इसमें सारी सब्जियां डाल देते हैं। 1/2 चम्मच नमक डाल देते हैं। अभी मैंने सब्जियों के लिए नमक डाला है, चावल में मैंने पहले से नमक डाल रखा है। सब्जियों को भी 1 से 1.5 मिनट ही पकाएंगे, ज़्यादा नहीं पकाएंगे। सब्जियां हमें थोड़ी कच्ची चाहिए, जिसमें क्रंचेस बने रहे। सब्जियां थोड़े पक गए हैं, अब हम इसमें चावल डाल देते हैं। अब हम इसमें सोया सॉस डाल देते हैं। याद रहे, सोया सॉस चावल में डालते हैं, सब्जियों में नहीं। 1/4 चम्मच काली मिर्च पाउडर डाल देते हैं। इसमें थोड़ा सा पानी छिटक लेते हैं, जिससे चावल मिलाते वक्त टूटे नहीं, और इसे अच्छी तरह से मिला लेते हैं। अब हम इसमें स्प्रिंग ओनियन डाल देते हैं, थोड़ा मिला लेते हैं, और हमारा वेज फ्राइड राइस रेडी। अब इसे सर्व करते हैं। यह सिंपल और क्विक रेसिपी है। यह खाने में भी बहुत टेस्टी होता है। आप इसे बचे हुए चावल से भी बना सकते हैं और यह बच्चों को भी बहुत पसंद होता है। आप इसे टिफिन के लिए भी बना सकते हैं, बहुत ही जल्दी बन जाता है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकॉन को भी ऑल कर प्रेस करें, जिससे मेरे नए रेसिपी की वीडियो आपको सबसे पहले मिले।